महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ, धृतराष्ट्र ने कृष्ण जी से सवाल किया कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, 100 पुत्र मेरे मार दिए, सबके सब मेरे पुत्र मर गए, एक भी नहीं बचा, ये तो अन्याय है उसका। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कृष्ण जी मुस्कुरा के कहने के, धृतराष्ट्र ऐसा नहीं होता, उसके घर में अन्याय है ही नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। सारे बोलिए, धन गुरु नानक। उसके घर में अन्याय नहीं है। कृष्ण जी कहने लगे, दद्दय दोष न देव किसे। ध्यान देना सत्संग जी, वाणी कहती है, दद्दय दोष न देव किसे, दोष कर्मा अपने। कृष्ण जी कहने लगे, तेरे कर्मों का दोष है और कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। धृतराष्ट्र कहने का, कौन सा कर्म, मुझे आज बताओ मेरा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मेरे 100 पुत्र मारे गए, एक भी नहीं बचा, ये दुख मुझे सहना पड़ा, इतनी पीड़ा, किसी के 100 पुत्र हों और सबके सब मर जाएं, पिता जीवित रह जाए, ऐसा दुख। कृष्ण जी ने फिर बताया, वाणी तो इसको बार बार प्रमाणित करती है, जेहा बीजा सो लुड़े कर्मा संदड़ा खेत। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, कि जो बीजेगा वो उगेगा और तुझे काटना पड़ेगा। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। बीजते वक्त हम सोचते नहीं, बिल्कुल नहीं सोचते, हमारी सोच तो ये है, बुरा काम कर लो, साथ में किधर थोड़ा सा दान कर दो, शायद बच जाएंगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ऐसा नहीं है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कृष्ण जी ने कहा, कहने लगे, तेरे जन्म बताता हूं पिछला में, अभी तो तूने कुछ भी फल नहीं काटा, अभी तुझे और बहुत फल काटने हैं। कृष्ण जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, तूने जो कर्म किए, पिछले जन्म भी तू राजा था, तुझे मांस खाने का शौक था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। एक बार तूने हंस पाले थे, 100 हंस अपने पास, तू एक एक करके सारे हंसों को मारकर खाता रहा, हर रोज एक हंस को मार के खाता, दूसरे दिन दूसरे हंस को मार के खाता, आखिरी वाला हंस जब बचा, तो जब कोई ना बचा तो वो तड़प तड़प कर मर गया बिछोड़े में, और उसके हृदय से पुकार निकली कि जिसने मेरे साथ ये सब किया है उसके साथ भी वही सब हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो राजन, तूने 100 हंसों को मारा था, उसके बदले ये तेरे 100 पुत्र इस जन्म में मरे हैं केवल, आगे पता नहीं तुझे क्या 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 नरक भोगने हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। यहां पर थोड़ा रुक जाना चाहिए सत्संग जी, मेरे ख्याल से हमेशा ये बात आती है, जो लोग मुर्गियां मार मार के खाते हैं रोज, वो जरा विचार कर ले, जरा विचार कर ले सत्संग जी, वाणी तो साफ साफ कहती है, पूरा प्रकरण ले चुके हैं हम, जाओ सब में एक खुदा कहे तो हो, तो क्यों मुर्गी मारे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। जो लोग मांस खाते हैं, अगर वो सोचते हैं कि बच जाएंगे, वाणी कहती है नहीं बचेंगे, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज, नहीं, गुरु अंगद देव जी महाराज का तो यहां तक वचन है, गुरु अंगद देव जी महाराज के, कि जितनी बार छुरियां उन जानवरों के गले में चलती है जैसे तुम खाते हो, उतनी बार छुरियां तुम्हारे गले पर चलाई जाएंगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। विचार कर लिया करो क्या कर रहे हैं, बेचते वक्त नहीं सोचते, काटना पड़ता है, काटना पड़ता है। और जो गुरु के शरण में आके बैठ जाए, मन में पश्चाताप करके अरदास कर दे, पाछा आगे से नहीं खाऊंगा, भूल हो गई जो हो गई, गुरु काट देता है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। इसलिए तो आके बैठे हैं यहां पर, जो लोग अभी भी खाते हैं, प्रण कर लो आज ही, एक बात याद रखना, जिसने भी जो पाया है अभी और आज पाया है, ये कोई ये सोचता है ना हफ्ते बाद महीने बाद दो महीने बाद कर लूंगा, वो कभी नहीं कर पाता, जिसने किया है अभी किया है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
यहाँ पर कृष्ण जी ने एक और ज्ञान दिया, धृतराष्ट्र तेरे ये कर्म कट सकते थे अगर तुझे पूरे गुरु की शरण प्राप्त होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों कृष्ण जी ने यहाँ पे एक बात समझाई, कहने लगे गुरु के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर ये कुदरत का कानून है सत्संग जी। जब भगवान ने सृष्टि बनाई उसने कानून बनाए कुछ, उस कानून की उल्लंघन भगवान भी नहीं करता। उसमें उसने जो लेख लिख दिए, वाणी कहती है लेख न मिटाई है सखी जो लिखिया करतार, जो यहाँ पे लिख दिया वो मिटा नहीं सकता कोई भी, कोई नहीं मिटा सकता। पर बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे ठीक है मिटा नहीं सकते पर गुरु बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक बदल सकता है, उसके पास बदलने की वीटो पावर है। भगवान ने दी है गुरु को पावर कि तू अपने सिख अपने शरण में आए शिष्य की रेखाएं बदल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।